लेक्चर नंबर सेवन क्लास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर फिफ्टीन आज हमने रैंक कोरिलेशन के मुतालिक पढ़ना है देखिए क्वालिटेटिव वेरिएबल हम इस चैप्टर में क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी कि एट्रीब्यूट्स के मुतल पढ़ चुके हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली मैर नहीं कर सकते अवेरिएबल विच कैन एक्सप्रेसड न्यूमेरिकली, सच एज़ ब्यूटी ऑनेस्टी प्रॉवर्टी रिचनेस एफ़िशेंसी सेटिस्फैक्शन वग़ैरह वग़ैरह अब वो खसूसियात जिन्हें न्यूमेरिकली मैर ना किया जाए उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं तो टाइम टू सेट ऑफ वेरिएबल्स ऐसे टू सेट ऑफ वेरिएबल्स जिन्हें नूमेरिकली जिनकी खसूसियात को हम नूमेरिकली मायर नहीं कर सकते उनके दरमियान हम कोरिलेशन यानी कि रब्त देखना चाहते हैं कि ये आपस में कितने हम रब्त हैं तो जाहिर है हम डायरेक्टली उन्हें उनके दरमियान रिलेशन को मैर नहीं कर सकते तो उन दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को नूमेरिकली मैर करने के लिए हम फिर उन दो क्वालिटेटिव वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हम कुछ नूमेरिकल नंबर्स असाइन करते हैं उनकी करेक्ट्रिस्टिक्स के मुताबिक उनको वो जो न्यूमेरिकल नंबर्स असाइन किए जाते हैं उन्हें हम रैंक्स कहते हैं तो रैंक्स क्या है द ऑर्डर गिवन टू एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स इस कॉल्ड रैंक द ऑर्डर गिवन टू एन इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स उनके हमारे पास दो सेट ऑफ़ डाटा हैं दोनों क्वालिटेटिव हैं मसलन मिसाल के तौर पर एक सेट ऑफ डाटा है हॉबी और एक सेट ऑफ डाटा है हमारे पास इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसानत अब जहानत और हॉबीज़ के दरमियान हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो हम उन इंडिविजुअल्स को जो हमने लिए हुए हैं उनकी खसूसियात को उनके हॉबीज़ को या उनके इंटेलिजेंस को उन कुछ नंबर्स असाइन करेंगे तो वो जो ऑर्डर गिवन टू एन इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स इस कॉल्ड रैंक तो उन्हें हम रैंक कहेंगे उन नंबर्स को और वो नंबर्स उन इंडिविजुअल्स की खसूसियात को जाहिर करेंगे अब रैंकिंग क्या है द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू समेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इस कार्ड रैंकिंग तो ये जो अरेंजमेंट हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स को जाहिर करने के लिए तो ये ऑर्डर अरेंजमेंट क्या कहलाएगी रैंकिंग कहलाएगी अब रैंक कोरिलेशन क्या होगा द कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स वो जो इंडिविजुअल्स हैं है, उनके जो रैंक्स हैं उनके दरमियान कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन कहलाता है तो इसे लिखा गया कोरिलेशन बिटवीन द रैंक ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वेरिएबल यहां वेरिएबल वो करैक्टरिस्टिक्स जिन्हें नूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जाता क्वालिटेटिव वेरिएबल है यहां वेरिएबल से मुराद द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन कॉफिशेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन द कॉफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज द ऑर्डनरी कोरिलेशन यानी कि उस रैंक और रिलेशन डाटा के दरमियान जो हम रिलेशन मैयर करेंगे नूमेरिकली उसे हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ रैंक और रिलेशन कॉफिशेंट ऑफ कॉफिशेंट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रैंक्स कॉफिशेंट ऑफ बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंक्स इट इज़ डीनोटेड बाई आर एस तो लजिशन बिटवीन दू सेट्स ऑफ रैंक्स कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन कहलाता है इट इज डिनोटेड बाई आर एस इसे हम आर एस से ज़ाहिर करते हैं इट इज़ कैलकुलेट एज़ आर एस इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सम ऑफ डी स्कीयर ओवर एन इन टू एन स्केयर माइनस वन ये रैंक और रिलेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है अब इस फार्मूले को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेयरमैन कॉफिशेंट ऑफ रैंक इसे हम स्पेयरमैन कॉफिशेंट ऑफ रैंक भी कहते हैं और इसकी वैल्यूज हमेशा माइनस वन और प्लस वन के दरमियान पाई जाती है अब फार्मूले में जो डी है डी क्या है डी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स डी एक डिफ्रेंस है बिटवीन द रैंक्स अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें में कुछ मैर मिनट्स दी गई हैं और उन मैर मिनस के दरमियान दो सेट ऑफ डाटा की मैर मिनट्स दी गई हैं उन दो सेट ऑफ डाटा की मैर मिनस के दरमियान हमने रैंक को रिलेशन फाइंड करना है इसलिए लिखा गया यूजिंग स्पेयरमैन फार्मूला कैलकुलेट द कोफिशेंट ऑफ रैंक को रिलेशन फॉर फॉलोइंग डाटा गिविंग रैंक्स टू मयरमेंट क्वांटिटीज इन मैजरमेंट क्वांटिटी को हमने पहले रैंक्स देने हैं इन मैरमेंट क्वांटिटी को जो हमें डाटा में दी गई है इन दो मयरमेंट्स यूजिंग स्पेयरमैन फार्मूला कैलकुलेट द कोफिशेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर फॉलोइंग डाटा गिविंग रैंक टू मयरमेंट्स क्वान्टिटी ये जो मैयरमेंट्स क्वान्टिटी दी गई हैं इन्हें हम पहले रैंक्स देंगे इन्हें रैंक्स देने के बाद फिर इन रैंक्स का कोरिशन फाइंड करेंगे इनसे हम रैंक कॉरीशन कोफिशेंट कहेंगे अब वो क्वान्टिटी क्या है वो मेयरमेंट ये हैं इंडिविजुअल ए की मेजरमेंट्स आपको गिवन है इंडिविजुअल बी की मेजरमेंट्स आपको गिवन है अब इंडिविजुअल ए की मेजरमेंट्स हम लेंगे फोर पॉइंट सेवन टू पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव फोर पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट थ्री और इंडिविजुअल बी की मेजरमेंट्स हमने ली एट पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट टू फोर पॉइंट नाइन एट पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट टू अब इन इंडिविजुअल्स ए और बी की जो मेजरमेंट्स हैं इनके दरमियान रैंक और रिलेशन हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इन्हें इन मेजरमेंट्स की रैंकिंग करेंगे तो रैंक्स मेजरमेंट ए के रैंक्स को हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे मेजरमेंट बी के रैंक्स को हम वाई से जाहिर करेंगे अब मेजरमेंट्स ए के जो रैंक्स हैं वो इस तरह से होंगे कि आप मेजरमेंट्स ए को देखें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है सेवन पॉइंट थ्री हम उसे रैंक वन दे देंगे फिर उससे छोटी वैल्यू है हमारे पास 6.4 उसे हम 2 देंगे फिर 6.4 से छोटी वैल्यू है 4.9 उसे हम 3 देंगे 4.9 से छोटी वैल्यू है फोर पॉइंट सेवन उसे फोर देंगे 4.7 से छोटी वैल्यू है टू पॉइंट फिर 2.9 से छोटी वैल्यू है 2.5 उसे 6 हम देंगे तो इस तरह से हम इन्हें एक नमेरिकल वैल्यू असाइन की अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट अब सबसे बड़ी वैल्यू को हमने सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन को हमने वन फिर उससे छोटी ऑब्जर्वेशन को टू फिर उससे छोटी को थ्री तो दीज ऑर्डर अरेंजमेंट आर कार्ड रैंक्स जिस तरह से मेजरमेंट बी की जो ऑब्ज़रवेशन हैं उनको नंबर्स असाइन करेंगे यानी कि रैंक्स ऑर्डर अरेंजमेंट अब हाईएस्ट वैल्यू 8.6, फिर 8.32, पॉइंट थ्री टू सेवन दीज ऑर्डर अरेंजमेंट इज कॉल्ड रैंक्स ये हमारी रैंक्स आ गए तो ये हमारा रैंक्स डाटा है अब हम इस रैंक्स डाटा का को रिलेशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम डी बनाएंगे डी से मुराद डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स डी से मुराद डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स एक्स माइनस वाई फोर माइनस वन थ्री फाइव माइनस फाइव जीरो टू माइनस फोर माइनस टू सिक्स माइनस सिक्स जीरो थ्री माइनस टू वन वन माइनस थ्री माइनस टू अब हम इन्हें जब सम करेंगे तो इनका सम ज़ीरो आएगा फिर इन रैंक्स के डिफरेंस के स्केयर लेंगे डी स्केयर थ्री का स्केयर नाइन जीरो माइनस टू का स्केयर फोर जीरो का स्केयर वन का स्केयर माइनस टू का स्केयर फोर अब इन्हें हम सम करेंगे तो सम ऑफ डी स्केयर एटीन आया फार्मूला क्या आर एस इज़ इक्वल टू वन माइनस सिक्स सम ऑफ डी स्केयर ओवर एन इंटू एन स्केयर माइनस वन अब ऑब्जरवेशन पुट करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे सम ऑफ डी स्केयर है एटीन एन सिक्स पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं एन पुट कर दिया सिक्स स्केयर माइनस वन अब सिक्स स्केयर माइनस वन सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में से वन माइनस किया थर्टी फाइव आएगा थर्टी फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एट सिक्स मल्टीप्लाई एटीन करेंगे फिर इस रिज़ल्ट को हल करेंगे इस हिस्से को फिर वन में से उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट फोर एट फाइव सेवन तो इन दो मैयर मिनट्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो पॉजिटिव है और रैंक को रिलेशन का जो रिज़ल्ट है वो माइनस वन और प्लस वन के दरमियान लाई करता है तो ए और बी जो मैरमेंट हमें यहाँ गिवन थी उनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन है यानी कि अगर मैयरमेंट ए बढ़ेंगी तो मैयरमेंट बी भी बढ़ेंगी पॉजिटिव रिलेशन है तो ये हमारे पास रैंक कोरिलेशन मालूम हो गया अब उसके बाद हमारे पास इस रैंक कोरिलेशन की एक्सरसाइज मौजूद है बुक में अब उस एक्सरसाइज में ये देखें एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि द फॉलोइंग टेबल शो हाउ टेन स्टूडेंट्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर रैंकड अब यहाँ ऑलरेडी रैंक मौजूद हैं यानी कि ये रैंक्स लेबॉर्ट्री के रैंक्स हैं लेक्चर के रैंक्स हैं लेबॉर्ट्री के रैंक्स को हम एक्स से जाहिर कर देंगे लेक्चर्स के रैंक्स को हम वाई से जाहिर कर देंगे ये ऑलरेडी रैंक्स मौजूद हैं क्योंकि उसने वाजे कर दिया है कि द फॉलोइंग टेबल शो हाउ टेन स्टूडेंट्स अरेंज इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर वर रैंकड अकॉर्डिंग टू देर अचीवमेंट इन बोथ लेबॉरटरी एंड लेक्चर पोजिशंस अब लेक्चर और लेबोटरी पोजिशंस की जो रैंकिंग है वो यहाँ गिवन है अब हम इसके दरमियान रैंक ऑरिलेशन इन रैंक्स का डिफ्रेंस बनाएंगे यानी कि ये डी बनाएंगे इनका डी के स्केयर लेंगे फिर रैंक ऑरलेन का फार्मूला लगा देंगे इस तरह से नीचे एक क्वेश्चन है द रैंक्स ऑफ द सेम टेन स्टूडेंट्स मैथेमेटिक्स एंड इकनॉमिक्स ये मैथेमेटिक्स और इकनॉमिक्स के रैंक्स गिवन है ये भी ऑलरेडी रैंक्स मौजूद हैं ये पेयर अरेंजमेंट वन सिक्स ये मैथेमेटिक्स का रैंक है वन सिक्स इकनॉमिक्स का रैंक्स है इस तरह से ये मैथेमेटिक्स के रैंक्स आ जाएंगे और इकनॉमिक्स के रैंक्स आ जाएंगे फिर उन रैंक्स के डिफ्रेंस बनाएंगे डी फिर डी स्कीयर बनाएंगे फार्मूला लगाएंगे रैंक और रिलेशन का इस तरह से ये नीचे आपको एक्सरसाइज में चंद सवाल दिए गए हैं जिनके रैंक और रिलेशन फाइंड करने हैं तो अब आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट के तौर पर इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर फिफ्टीन कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट हम एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर फोरटीन पर काम करेंगे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पर next lectures me